लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कुत्ता कुत्ता गधा गधा उल्लू का पट्टा कौन? अरे ये डॉली है ना, वो हमको उल्लू बना के अपना बॉयफ्रेंड के साथ घूमने को गया है। अब ये जो है इसका बॉयफ्रेंड, वो हमारा लव का ट्रायंगल में विलन बन गया है। कोई सुजीत कुमार ऐसा नाम है। अच्छा, अरे मेरा तो लाइफ बर्बाद कर दिया है, रात को नींद नहीं आता है मेरे को। हम ये सुजीत कुमार के बच्चे को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता है एकदम से, लेकिन क्या करूं कुछ मालूम नहीं पड़ता है, कैसे इसको खत्म करूं। तुम चाहता है कि कोई प्रोफेशनल किलर चाहिए? अरे प्रोफेशनल किलर मिल जाए, हमारे रास्ते का कांटा निकाल दे बीच में से। तुम 50,000 रुपए देगा? अरे 50,000? हम 50,00,000 देने को तैयार है, लेकिन डॉली मेरे को चाहिए। बोलो कैसे करेगा? बताता है। 10,000 रुपए पेशगी दो, वो काम हम खुद करेगा, उसको हम खत्म करेगा। इतने सस्ते में खत्म मत कर कुन्ना। विनोद मेरे भाई का खून तो नहीं किया था ना? नहीं। कितने पैसे मिले थे? नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे भैया का खून करने के लिए तुझे कितने पैसे मिले थे? मैं नहीं जानता। छोड़ो मुझे, बोल छोड़ो, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यही वो जगह है विनोद, जहां हादसा हुआ था। दिनेश भाई यहां खड़े हुए थे, राजनर वहां पर था और कुंदन यहां खड़ा हुआ था जहां तू खड़ा है। दोनों की आपस में कुछ बहस हो रही थी। कुंदन राजनारायण को मारने के लिए आगे बढ़ा कि दिनेश भाई ने उसे रोक लिया और रोक के उसे धक्का दिया, वो यहां आकर गिरा। कुंदन के हाथ में छुरी आ गई, इस छुरी से वो दोबारा अटैक करने गया। दिनेश भाई ने उसे बहुत रोका, उस वक्त मैं हूं ना विनोद, यहां खड़ा देख रहा था। उनके झगड़े को रोकने के लिए, कुंदन को डराने के लिए मैंने ड्रॉर से रिवॉल्वर निकाली कि उस बीच अंधेरा हो गया और अचानक मेरे हाथ से एक मिनट गोलियां दो चली थी, लेकिन भैया की पीठ पे एक ही गोली थी। यही तो मैं कहना चाहता हूं विनोद, कि मेरी गोली भैया को नहीं लगी। अगर तेरी गोली भैया को नहीं लगी तो फिर तेरे हाथ के निशाने के हिसाब से गोली यही कहीं होनी चाहिए। मैं बेगुनाह साबित हो सकता हूं, हमें सबूत मिल गया है। हेलो, कौन? अनिता? हाँ? मैं विनोद बोल रहा हूं। तुम ऐसा करो, रिट्स होटल के पास जल्दी चलिए आओ। अशोक मेरे साथ है। अशोक भैया तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं, फोन पर आ नहीं सकता। मैं भी आई।
विनोद यहाँ आओ, सुनो। छोड़ दो मुझे, अगर मेरे भैया को पता चल गया तो तुम में से एक नहीं बचेगा। सुनिए अपनी अनीता की चीखों पुकार, बेचारी हमारे कब्जे में है, लेकिन हमें अनीता नहीं अशोक चाहिए जो तुम्हारे कब्जे में है। अशोक को हमारे पास ले आओ, अनीता को ले जाओ, लेकिन पुलिस को खबर की तो अनीता की लाश ही मिलेगी। आज रात सिउरी के गोदाम नंबर 3 में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, रात के ठीक 12 बजे, समझ गए? 12 बजे। रुक जाओ, कौन है आप? अंकल? हाँ मैं। उन लोगों से काम नहीं हो सका इसलिए मजबूरन मुझे सामने आना पड़ा। साइन करो। ये क्या? ये किसका नाम लिखा? आपका, राज नारायण। जानते हो मैं क्या कर सकता हूं? ठहरो 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 ठहरो, ये तो नकली था, असली तो उधर है। उधर जानते हो इसे? ये वही रिवॉल्वर है जिससे दिनेश का खून हुआ था। तुम समझते थे दिनेश पर गोली तुमने चलाई थी? नहीं,
दिनेश पर गोली मैंने। बुड्ढे मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अशोक तुम्हारा दोस्त भी अपने भाई की तरह कुछ ज्यादा ही बोलता है और मुझे इसकी आवाज अच्छी नहीं लगती। एक गोली एक निशाना लो। इसमें गोली कहां है पता नहीं लेकिन उसमें तो पता है। अगर अपनी बहन की जिंदगी चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूं वैसे ही करो। अपने हाथ से ही अपने दोस्त को निशाना बनाओ। सोच क्या रहे हो बहन चाहिए या दोस्त? एक पांच मुकाबला सेठ कई गड़बड़ लागे छे। पावती हाँ? चलो उसकी जाके मदद करते उसकी इज्जत खतरे में। चलो नागनो कमाल बता दिया। जो डर गया वो मर गया। देख तू जा बीन बजा मैं दूसरे को देखता हूँ। मानिया इतना बड़ा हो गया पोपट के साथ खेल रहा है। उस्ताद अपने बच्चे लोग के लिए खिलौने जमा कर रहा हूँ। मानिया पोकट का माला इसलिए है। अरे पहली टाइम सामने से पता ना रहा है। उस्ताद भुकट का माल जमा किया ना अभी भुकट में मार भी खा। जरा मारो मारो मुझे माफ कर देना।
अरे तुम दोनों एक दूसरे को बधाई देगा या मुक्का वाला सेठ को भूल गया जो इतना आदमी को मुक्का मार मार के तुम दोनों को बचाया? अरे मुक्का वाला सेठ मेरे को बचाओ, मैंने तो मरेले को मारा है। अरे तुम तो मरेले को मारा इसलिए तुमको करेला देना पड़ेगा, जाओ ले जाओ इसको एक डंडा। अरे समझ नहीं आता।